जब दो लोगों को कोई एक चीज पसंद आ जाती है तो उनमें आपस में होता है युद्ध। ऐसा ही कुछ हुआ है यूक्रेन के साथ, जिस पर रूस और अमेरिका दोनों ही अपनी निगाहें जमाए हुए थे, लेकिन रूस ने तो अपनी ताकत दिखा के यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाया है। लेकिन पुतिन भैया ने साफ कह रखा है कि मेरे और यूक्रेन के बीच अगर कोई आया तो मैं उसे कच्चे बादाम के जैसे खा जाऊंगा। लेकिन अमेरिका शांत बैठने वाला नहीं है भाई, एक दिन रूस पर हमला जरूर करेगा, तब कौन जीतेगा, रूस या अमेरिका? तो यही आज की वीडियो में हम देखने वाले। नंबर एक, एक्टिव आर्मी, जहां रशिया के पास 10 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है, वहीं अमेरिका के पास 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है। नंबर टू, न्यूक्लियर बॉम्ब, जहां रूस के पास 6300 न्यूक्लियर बॉम्ब है और वहीं अमेरिका के पास 5550 न्यूक्लियर बॉम्ब है। और अगर इन दोनों ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और फिर क्या, हमारे सपने सपने ही रह जाएंगे। समझ रहे हो? नंबर थ्री, डिफेंस बजट, जहां रूस का डिफेंस बजट 66 बिलियन यूएस डॉलर है और वहीं यूएसए का डिफेंस बजट 740 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि रूस से बहुत ज्यादा है। तो पुतिन भैया, मालूम है तेरे बाप को।